नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। श्री राम आ रहे हैं नव वर्ष में नई अयोध्या। 21वीं सदी के सबसे बड़े सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उत्कर्ष का गवाह बनने जा रही है। लाखों राम भक्तों और श्रद्धालुओं के मन की मुराद भी पूरी होने जा रही है, जो सैकड़ों वर्षों से रामलला को दिव्य, भव्य और नए मंदिर में विराजने का इंतजार कर रहे हैं। 22 जनवरी 2024 की तारीख तय हो चुकी है। अयोध्या दिन रात संवर रही है, सज रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रामलला के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तब ये अवसर न सिर्फ इस धार्मिक नगरी के लिए अत्याधुनिक दृष्टि से उत्कर्ष का होगा, बल्कि अवध की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार भी बन जाएगा। साथ ही श्रद्धालुओं के रहने, खाने और उनकी सुरक्षा को लेकर व्यापक स्तर पर रणनीति बनाने के साथ ही सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। अयोध्या जल्द ही अभेद किले में तब्दील होने वाली है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। अब 22 जनवरी का बस इंतजार है। राम भक्त लगातार अब 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाल रूप में रामलला को अपने स्थान पर विराजमान कराएंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी और राम भक्तों का जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। तो 500 सालों का इंतजार कर रहे राम भक्त, अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। 22 जनवरी की तारीख तय हो चुकी है और 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। तो पूरी अयोध्या सज रही है और संवर रही है। तो राम जन्मभूमि जो तैयारियां हैं वो अब अंतिम दौर में हैं। लगातार तैयारियां भी अब अयोध्या में देखने को मिल रही है। राम मंदिर का निर्माण, जिसके चलते देश में अब लगातार जय जयकार हो रही है। पूरी अयोध्या नगरी अब राममय नजर आ रही है। राम के भक्तों में भी उत्साह अब देखने को मिल रहा है कि जल्द ही 22 जनवरी की तारीख आए और रामलला अपने विराजमान, अपने स्थान पर विराजमान हो जाए, जिसके बाद से ही श्रद्धालुओं को और अपने भक्तों को रामलला दर्शन देंगे। और चलिए सीधे अब अयोध्या का रुख करेंगे। मेरी सहयोगी दीपिका ओझा अयोध्या से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अयोध्या से दीपिका, 22 जनवरी का बस इंतजार है, अब कुछ ही दिन का समय बाकी बचा हुआ है। कितनी तैयारियां अयोध्या में अब देखने को मिल रही है? आपको बता दें कि यहाँ जो तैयारियां हैं वो आखिरी दौर की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि अब के सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। और ऐसे में, क्योंकि ये सिर्फ एक दो दिन की बात नहीं है बल्कि ये सालों की मेहनत है, जब अयोध्या को इस दिन के लिए तैयार किया जा रहा था और अब जब वो दिन नज़दीक आ रहा है, और ऐसे में कोई भी यहाँ पर कसर छोड़ने के लिए राजी नहीं है। चाहे बात सरकार की जाए या फिर यहाँ पर काम में लगे हुए कामगारों की बात की जाए, उनमें भी उत्साह भरपूर है, उमंग भरपूर है। इसे न महज एक काम समझकर, राम की सेवा समझकर यहाँ पर यकीन मानिए कि जो कामगार है वो 12 से 14 घंटे काम कर रहे हैं और राम भक्ति में लीन होकर अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है, सवारा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर किसी भी तरह की कसर कोई छोड़ने की तैयारी नहीं की जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दूं, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा रहने वाला है 22 तारीख के लिए, जो सबसे बड़ी चर्चा में रहने वाला है, वो राम मंदिर है। राम मंदिर की तस्वीरें भी सामने आई, हमने भी दर्शकों को दिखाया कि वहाँ की क्या कुछ अब तक कार्यशैली रही है। लेकिन राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र की ओर से समय समय पर राम मंदिर को लेकर, उसके निर्माण कार्य को लेकर जानकारी दी जाती है। और आज वह देखिए, एक जो जानकारी ट्रस्ट की ओर से दी गई है, सबसे पहले तो आपको बता दें कि नागर शैली, जिसका जिक्र किया जाता है कि जो ये राम मंदिर बनाया गया है वो नागर शैली में बनाया गया है, जो कि अपने आप में बेहद खास है। जब आप साउथ की तरफ जाते हैं तो आपको दूसरी शैलियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर जो राम मंदिर का निर्माण किया गया है वो नागर शैली का किया गया है। इसके साथ साथ विशिष्टताएं गिनाते हुए ये भी जानकारी दी गई है कि ये जो राम मंदिर है 3 मंजिला होने वाला है, जिसमें सबसे पहले मंजिल में यानी गर्भगृह में बाल स्वरूप में रामलला विराजमान होंगे, और सिर्फ रामलला विराजमान होंगे, यानी उनका एक बाल स्वरूप रहेगा और एक
पांच साल की उम्र के लगभग रामलला को विराजमान किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा फ्लोर होने वाला है उसमें राम दरबार लगाया जाएगा। राम दरबार में समझिए कि वो मूर्तियां लगाई जाने वाली हैं जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौट आए थे, जिसमें प्रभु श्री राम भी होंगे, उनके सभी भाई भी होंगे, हनुमान भगवान भी होंगे। तो इस तरह राम दरबार सजाया जाएगा, वो तैयार किया जा रहा है। हालांकि अभी दूसरा मंजिल तैयार नहीं हुआ है। इसके साथ साथ ये जानकारी दी गई है कि कुल 392 स्तंभ रहने वाले हैं और 44 दरवाजे रहने वाले हैं। इसके साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि मंदिर की जो प्रत्येक मंजिल है उसकी जो ऊंचाई होने वाली है वो 20 फीट की होगी, और इसके साथ साथ इसकी लंबाई 380 फीट और 250 फीट की चौड़ाई और 161 फीट की ऊंचाई होने वाली है। तो कुल मिलाकर ये जानकारी दी गई है ट्रस्ट की ओर से, क्योंकि जो लोगों में उत्साह है हर एक दिन, यहाँ न सिर्फ अयोध्या वासी बल्कि पूरे देश के लोगों में ये उत्साह है कि आखिर कितनी प्रगति आगे बढ़ गई है, अयोध्या में क्या कुछ और बदलाव रह रहा है। तो इसको लेकर समय समय पर अपडेट साझा की जा रही है कि अब बस वो दिन दूर नहीं है जब 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे, और जिस दिन रामलला विराजमान होंगे उस दिन के लिए क्या कुछ तैयारी की गई है, क्योंकि वो मंदिर जिसकी जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं उसको लेकर भी जानकारी साझा की जा रही है। यहाँ के विकास कार्यों को भी लेकर जानकारी साझा की रही है। हम भी अपने दर्शकों को अपने रिपोर्ट्स के माध्यम से हर एक यहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि बदलाव आपको जहां भी आप देखेंगी प्रभा, हर एक सड़क पर, हर एक दीवार पर देखने को मिलेगा। सबसे अहम बात यह है कि जो अयोध्या वासी हैं वो 22 जनवरी के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि उनका कहना है कि ये त्रेता युग वाली दिवाली का एक मंजर होने वाला है। वो इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए भी पूरी तरह से तैयार है। आप समझिए कि यहाँ पर सेम बिल्डिंग कोड लागू है, जिसका मतलब आप समझिए कि यहाँ आप जो इमारतें देखेंगी वो आपको एक ही रंग में रंगी नजर आएंगी, न सिर्फ एक रंग में बल्कि आपको एक आकार देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ जो इनकी शटर हैं, आप समझिए कि उसमें प्रभु श्री राम की पिक्चर बनाई गई है, कहीं शंख की पिक्चर बनाई गई है, तो राम में पूरी तरह से नजर आ रही है अयोध्या। और जो यहाँ के लोग हैं उनसे जब हम जानने की कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि 22 तारीख को क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में आप लोग, क्योंकि अयोध्यावासी आपका घर है ये, और आपके घर में जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो आप लोग उनका स्वागत कैसे करेंगे? तो पूरी तरह से यहाँ के लोग भी खुले दिल से सभी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ प्रभा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी पूरी तैयारी की जा रही है, और देखिए लगातार अयोध्या को लेकर उनकी ओर से जानकारी साझा की जा रही है। बीते दिन जिस तरह से उन्होंने राम आएंगे तो अंगना पधारू सजाऊंगी गाना जिसको सुर दिया था स्वाति मिश्रा की ओर से, उसका जिक्र किया था, उस गाने की तारीफ की गई थी। आज हंसराज रघुवंशी जिन्होंने गाना गाया है अयोध्या को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर, उनकी भी तारीफ की गई है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रोजाना अयोध्या का कुछ ना कुछ जानकारी दे रहे हैं, अयोध्या से जुड़ी जो चीजें हैं उन्हें साझा कर रहे हैं। तो एक अलग अनुभव है, और इस अनुभव को और भी ज्यादा खास बना देता है वो इंतजार जो कि 500 सालों का था और अब खत्म होने जा रहा है, और जिसमें अब कहा जाए कि बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे में समझिए कि जो उत्साह है वो न सिर्फ जो अयोध्या से दूर है उनका, बल्कि अयोध्या वासियों में तो समझिए कि कितना ज्यादा उत्साह होगा, क्योंकि उनकी नगरी में प्रभु श्री राम का आगमन हो रहा है। तो तैयारियां पूरी है, प्राण प्रतिष्ठा 22 को होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी होगी। महज 84 सेकंड का समय रहने वाला है, उस 84 सेकंड में सूक्ष्म रूप से प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी, लेकिन जो प्रक्रियाएं हैं वो पहले से शुरू कर दी जाएंगी। जो रामलला की मूर्ति है उसे पूरे नगर भ्रमण में निकाला जाएगा, और जब नगर हर एक गलियों से निकाला जाएगा, लेकिन खास बात ये रहेगी कि रामलला के दर्शन उस वक्त कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में ये मान्यता रहती है कि जब भी कोई मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है उसका चेहरा प्राण प्रतिष्ठा से पहले नहीं दिखाया जाता है। तो ये सब कुछ तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं, और पूरी तरह से यकीन मानिए कि राममय नजर आ रही है राम की नगरी अयोध्या, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से आपने राम मंदिर की विशेषताओं का जिक्र किया, तो एक विशेषता ये भी राम मंदिर में देखने को मिल रही है कि जहां पर रामलला विराजमान होंगे तो उनका जो सूर्य अभिषेक होगा तो सूर्य की किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर, यानी कि जहां पर तिलक होगा वहां पर सूर्य की किरणें पड़ेगी जिनसे उनका सूर्य अभिषेक किया जाएगा, यह भी एक विशेषता बताई जा रही है। और साथ ही दीपिका यह भी कहा जा रहा है कि बिजली पानी को लेकर भी राम मंदिर के अंदर ही व्यवस्थाएं की जा रही है, ताकि अतिरिक्त जो भार है वो नगर निगम पर ना पड़े। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास?
बिल्कुल प्रभा, आपको बता दें कि ये कोई एक विशेषता नहीं है। अगर राम मंदिर की विशेषताएं गिनाना हम शुरू करें तो यकीन मानिए कि बहुत लंबी फेरिस्त होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत की जाए राम मंदिर की, जिस तरह से आपने जिक्र किया सूर्य अभिषेक की, तो उसकी पूरी तैयारी की गई है। रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं और ये एक दो दिन की तैयारी नहीं है, इसके लिए तीन इंस्टीट्यूट रुड़की, पुणे और बैंगलोर के तीन इंस्टीट्यूट ने जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है तब से इसके लिए रिसर्च शुरू कर दी थी। और उसी का नतीजा है कि पूरी तरह से जो रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं, सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं भक्ति पथ मार्ग पे, और इन सभी का इस्तेमाल करके कुछ सूर्य की किरणों को इस तरह से रिफ्लेक्ट किया जाएगा कि रामनवमी के दिन सीधा सूर्य अभिषेक होगा प्रभु श्री राम का। और यकीन मानिए कि ये एक दो दिन की प्रक्रिया नहीं रहेगी, ये तैयारी जो की गई है ये लंबे वर्षों के लिए की गई है, कि ये नहीं है कि एक दो साल सूर्य अभिषेक हो जाएगा, लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। रामनवमी के दिन रामलला का सूर्य अभिषेक किया जाएगा। बिजली पानी की व्यवस्था का आप जिक्र करें थी, बिल्कुल राम जो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है जी, वो इस तर्ज पर किया जा रहा है कि अपने आप में ही एक, जिस तरह से प्रभु श्रीराम का विशालकाय महल होता था जिसके अंदर ही हर एक सुख सुविधाएं होती थी, ठीक वैसे ही राम मंदिर में भी हर एक सुख सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है, हर एक चीजों से, हर एक सुविधाओं से लैस है। इसके अलावा देखिए, क्योंकि खासियत की अगर हम जब बात करते हैं राम मंदिर की, तो समझिए कि ये जो मंदिर है इसे इस तर्ज पर बनाया गया है कि 1000 साल तक ये मंदिर जस का तस रहेगा, यानी जो खूबसूरती नागर शैली का इस्तेमाल किया गया है वो जस की तस रहने वाली है 1000 सालों तक। खास बात यह है कि इस मंदिर में किसी भी तरह के लोहे का, किसी भी तरह के फाइबर का, स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जब भी हम कोई घर का भी बेशक निर्माण करते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से लोहे का इस्तेमाल होता है, किसी फाइबर का, किसी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन समझिए कि जब राम मंदिर इतना बड़ा इमारत तैयार की जा रही है उसमें 1% भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि 1000 साल की मंशा से इस मंदिर को तैयार किया गया है। और समझिए कि जब इस सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो किस तरीके से जो तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन की ओर से वो अयोध्या में की जा रही है, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा, तो किस तरीके से पूरा प्लान पुलिस प्रशासन की ओर से अब अयोध्या में किया जा रहा है, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? लिहाज से अगर बात की जाए तो हर एक मोर्चे पर अयोध्या तैयार है। हमने जब यहाँ के आईजी प्रवीण कुमार से भी बातचीत करने की कोशिश की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, न सिर्फ अयोध्या पुलिस बल्कि आसपास की क्षेत्रीय पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है, बड़ी संख्या में यहाँ पर 22 तारीख के लिए पहुंचने वाली है। और क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में, क्योंकि जो यहाँ पर निमंत्रण दिए गए हैं वो 4000 साधु संतों को दिए गए हैं, 2500 का फिल्मी जगत और तमाम खेल जगत से जुड़े हुए लोगों को दिए गए हैं, तो ये तो वो संख्या हुई जो आमंत्रित की गई है, लेकिन कुछ ऐसी इसके अलावा भी संख्या है, चाहे कार सेवकों के परिवार कहें, चाहे वो भक्त कहें जिन्होंने लंबा इंतजार किया है, यानी बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं और उनकी सुरक्षा का जो जिम्मा है वो पुलिस की ओर है, प्रशासन की ओर है, तो पुलिस प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारियां अयोध्या में की जा रही है ताकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपिका, जानकारी साझा करने के लिए।